गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है संडे और संडे हम सुबह सुबह आपको दिख रहे हैं गाड़ी में। और गाड़ी में क्यों हैं? क्योंकि अर्श और शीतल को इनकी नानी के घर छोड़ना है और उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ढीली है, कोल्ड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बहरा है पूरा और मामला है गड़बड़ अपसेट। लेकिन इनको छोड़ना ज़रूरी है, इनको कोई काम है वहाँ पे, इन्होंने जाना है और ये आएंगे शाम को, तो शाम को इनको लेने भी जाना पड़ेगा। अभी बस दिन की शुरुआत हुई है और हम जा रहे हैं, बाकी आके मिलते हैं इस वाली फैमिली से अपनी। तो हम अर्श के नानू के घर पहुंच गए हैं और आप देख रहे होंगे शीतल भी काफ़ी स्माइल कर रही है, पीछे से मास्क पहना हुआ है, मास्क के अंदर से स्माइलिंग हो रही है। और अभी अभी इन्होंने मुझे हिदायत दी है कि चुप कर जाओ, तो मेरी बेहतरी इसी में चुप कर देने के लिए। बाय अर्श, शाम को आऊँगा मैं लेने के लिए। ठीक है, अब चलें घर। बाय। अबे गाड़ी ला दे। ओ भाई, आज है संडे और कहीं जाना तो है नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं है और घर चल के रेस्ट करेंगे यार थोड़ा सा, जो काम काफ़ी ज़्यादा है। मेडिसिन मैंने ले ली है, ज़्यादा नाक बह रही है। तो मैं तो आ गया हूँ घर वापस, मैंने मेडिसिन ली है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाक बह रही है बहुत ज़्यादा। नींद नहीं आ पाई क्योंकि नाक बहुत बह रही है। चाय पीने का मन हो रहा था, मैं यार उठते हैं चाय बना लेते हैं और कुछ नहीं, तो चाय बनने रख दी है, खाने को भी कुछ निकाल ली है। और अकेले रहना और तबीयत ख़राब में तो इट्स डिफ़िकल्ट, बट यार आज थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है। यू कैन सी फ्रॉम माई आईज कैसे मोटी हो गई आँखें। अभी बड़े पापा बैठे हैं नीचे और ये मुझे बुला रहे थे और मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो ऊपर ही नहीं आई, मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाने की सोच रहा था तेरे साथ। कोई नहीं, जब अर्श भैया हम तब, जब अर्श भैया होता है तब तेरे नखरे होते हैं। कल कितना तेरे को रिक्वेस्ट करा तो मानी है, नहीं मानी ना तो फिर डालिया होता ना आज वीडियो तो वायरल हो गया होता। चल अब और सुना, क्या कर रही है अब तू? कुछ नहीं, अब मैं खेलने जा रही हूँ। अब मैं लेने जा रहा हूँ अर्श भैया को, रात को आएंगे वो। ओके, और तू कहाँ जा रही है? खेलने। क्या खेलेगी? जो बच्चे खेलेंगे, वैसे बच्चे खेलते नहीं इसलिए मैं साइकिलिंग कर लूँगी। कल स्कूल जाना तूने? अरे वाह, मज़ा आएगा कल तो स्कूल में। कल फिर कौन सी क्लास होनी है तेरी, खास क्लास कौन सी है कल? स्पेशल है आर्ट। आर्ट की? आर्ट में आता क्या है तुझे? पता है मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ? टेढ़े मेढ़े शक्लें बनाती है तू? नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ मैं। आलू देखे आलू? हाँ। वैसे चेहरे बनाती है तू। आता है नहीं तुझे कुछ? आती बहुत। चल इस बार एक लैंडस्केप बना, मैं आपको यूनिकॉर्न वाली भी दिखाऊंगी, मैंने यूनिकॉर्न वाली ड्राइंग की थी। अच्छा, ला के दिखा, दिखाते हैं सबको। ठीक है, जब मैं खेल के आऊंगी ना तब दिखाऊंगी। नहीं अभी ला के दिखाना, फिर मैं जा रहा हूँ उनको लेने। टाइम नहीं है ना, फिर वही फालतू की बात। ओके बाय। तो अब चलने का समय हो गया है शीतल को और अर्श को उनके नानी के घर से लेके आने का। एक ड्यूटी है हमारी तो हमें निभानी पड़ेगी, और सेकेंडली तबीयत अभी वैसी की वैसी है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। तो अब दवाई शीतल के पास मेरी आ चुकी है, तो वो दवाई डॉक्टर ने दी है तो उससे 100% फर्क पड़ेगा ही। 17 साल पहले जब हम इस रोड पर पहली बार आए थे ना, ऐसा लगता था जैसे हम किसी जंगल में से निकल रहे हैं, इंसान का नामो निशान तक नहीं है यहाँ पे। बट 17 सालों में इस एरिया की ये हालत हो चुकी है कि यहाँ गाड़ी चलाना एक ऐसी चीज है जो कि जंग लड़ने वाली टाइप है। जो सबसे बुरा है इस इन रोड्स पे वो ये है कि रॉन्ग साइडर्स इतने हैं कि बेहिसाब, और ट्रैफिक भरता जा रहा है भरता जा रहा है। मार्केट्स खुलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये लेफ्ट में ये मार्केट बन गई है, पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। और ये देखिए गाड़ियां बीच में लगी हुई हैं, सिर्फ सिंगल लाइन जो है वो रोड की चल रही है। और हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि सड़कें हैं छोटी, ट्रैफिक है ज़्यादा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही मुझे याद है जब मैं 13-14 साल का हुआ करता था और हम लोग जाया करते थे इंडिया गेट विद आर फैमिली एंड विद माय डैड एंड मदर एंड सम फैमिली फ्रेंड्स। तो हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी, तब मारुति 800 ही चलती थी बेसिकली। और तब मुझे याद है ITO के ब्रिज से जब हम निकला करते थे रात को 10 बजे, जब इंडिया गेट से 10:30 बजे इंडिया गेट से वापस आते थे, तो ऐसा लगता था कि वी आर द ओनली वन ऑन द ब्रिज और आगे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। बट आज की सिचुएशन ये है कि रात को 10 बजे उस ब्रिज पे जाम लगे होते हैं, और उसके साथ साथ तब वो सिंगल ब्रिज होता था, तब ये हाल बता रहा हूँ मैं। और आज वहाँ
डबल ब्रिज बन चुके हैं, दो ब्रिजेस हैं, जाने का अलग है आने का अलग है, और उसमें भी डबल डबल लेन्स हैं, यानी आठ आठ लेन्स रोड्स की हैं एक एक ब्रिज पे, और उसके बावजूद आईटीओ से लेके और उस ब्रिज तक आधे आधे पौने पौने किलोमीटर का जाम लगा होता है पी कार्स में। और वैसे भी इवन कि अगर आप रात को भी 10-10:30 बजे भी आते हैं तब भी आपको जाम का सामना करना पड़ता है। एनसीआर में भी जिसमें हम रहते हैं अभी फ़िलहाल, वहाँ भी जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, और अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है, चलना मुश्किल है रोड पे। और सच बात की जाए ना तो कार चलाने का चार्म जो होता है ना, जो गाड़ी चलाने का एक मज़ा होता है, वो अब दिल्ली की सड़कों से जा चुका है। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं वैगन आर वाले भाई साहब, कभी ब्रेक मारते हैं कभी चलते हैं, और इवन उससे पहले एक टू व्हीलर वाले, लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है ना किसी और की। इसलिए मैंने बोला कि चार्म जो है वो रोड पे गाड़ी चलाने का बिल्कुल खत्म हो चुका। और रही सही कसर फ्यूल के प्राइजेस ने कर दी है। तो गाइस पापा ने हमें ले लिया नानी के घर से और अब हम जा रहे हैं अपने घर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज जो है वो है मंडे और अर्श आज स्कूल नहीं गया किसी वजह से, रीज़न थोड़ा सा सॉलिड था तो इस वजह से हमने भी कहा कि चल कोई बात नहीं, वो काम पहले ज़रूरी है। फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया और मैं नीचे जाने लगा था अपने डैड के पास पूछने के लिए कि दिल्ली का कोई काम उनका तो नहीं है, तो अगर है तो जाएंगे, वैसे आज दिल्ली जाना नहीं है। और तबीयत की बात ऐसी है कि कल से थोड़ा सा आराम है, जो कल कंटिन्यूसली नाक बह रही थी आज वो थोड़ी होल्ड पे है। रात को मेडिसिन लेके आए थे डॉक्टर से तो वो खाली थी। दोपहर के 2 बज गए हैं, काम करते करते टाइम का पता नहीं लगा और अब मैं बाहर आया हूँ। धूप इतनी तेज है ना भाई गॉड, लिटरली जबरदस्त वाली धूप है। और अब मैं सोच रहा था कि लंच से पहले हम गुरुद्वारे आए, प्लान कर रहा था कि मैं अर्श के साथ गुरुद्वारे आऊँ, फिर आके हम करेंगे लंच, उसके बाद फिर थोड़ा सा और काम है वो करना है, चलें गुरुद्वारे। चलो फिर हो ही आते हैं गुरुद्वारे। भाई शुक्र है गाड़ी याद आनी तपरी, धूप में खड़ी थी लेकिन थोड़ी देर पहले छांव आ गई थी तो बच गए हैं, वरना तो भाई हालत टाइट हो जाती, इतनी गर्म हो रखी है गाड़ी। चलो चलें गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे हम होके आ चुके हैं और अब लंच टाइम है तो लंच करेंगे, उसके बाद मुझे काम करना है तो मैं काम करूंगा और फिर काम फिनिश होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। अभी हम लंच करने लगे हैं, लंच करते हैं और लंच के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो लंच हमारा हो गया और लैपटॉप हमारे सामने, अब जो टाइम है वह काम करने का। अर्श भी थोड़ा बहुत अपना काम जो पेंडिंग है आज स्कूल का वो भी करेगा और मैं साथ में करूंगा काम, और हम आपको मिलते हैं काम करने के बाद। आज कैसा रहा भाई तेरा स्कूल? गुड। क्या किया स्कूल में? पढ़ाई। स्कूल हम क्या करने जाते हैं? पढ़ाई के साथ साथ खेल भी तो होगी, कोई एक्टिविटी भी होगी। आर्ट होती है। तूने तो दिखानी थी कल आर्ट, एक दिखाइए जरा यूनिकॉर्न की। ओ हाँ दिखा दूंगी। कब? अभी। तो लाके दिखा। अब पहले आपको नीचे आना पड़ेगा उसके लिए। नीचे नहीं आ रहे, तुझे ऊपर लेके आनी पड़ेगी वो। फिर रख अपने पास, हमें पता है आलू जैसी वैसे ही ड्राइंग बनाती है तू। नहीं शक्ल नहीं बनाई मैंने। तो यूनिकॉर्न क्या बनाया? यूनिकॉर्न का आसमान बनाया मैंने। कुछ नहीं बनाया। नहीं बनाया, यूनिकॉर्न का सिखाए। तो दिखा ना। वो मैं दिखाऊंगी ना। ना ना नहीं। हाँ अच्छा ठीक है दिखा दियो। स्विमिंग के लिए स्कूल जा रही हूँ, सॉरी ट्यूशन जा रही हूँ। और स्विमिंग के लिए वो तो बता रही, ट्यूशन में बिजी होंगी फिर तो। काफी बिजी है सहज, मैं तो उसको कह रहा हूँ स्विमिंग पे चल पड़े यार शाम को, पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया, 2 दिन का शौक था। फिर टाइम टाइम फिश, इनको मैं बोल भी रहा था कि टाइम तुम्हारे पास कम होता है, होमवर्क भी मिलता है स्कूल में से, तो कैसे मैनेज करोगे? कर लेंगे बड़े पापा, कर लेंगे पापा। आपने देख लिया जितना जागता एग्जांपल कि टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। अब मैं भी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। कोई पंखा ही बंद है यार, इतनी गर्मी है ना बाय गॉड, पंखा बंद करते ही तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो 6 बजने वाले हैं, काम अभी थोड़ा सा बचा है लेकिन मैंने इतना कर लिया कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चाय का टाइम भी हो गया था तो शीतल ने बना दिया हमारे लिए भेलपूरी और साथ में बन रही है चाय, और सहज आई थी, सहज जा चुकी है ट्यूशन, बस अब भेलपूरी एंजॉय करते हैं और साथ में चाय पीते हैं। तो जी बाल हो गए हैं बहुत बड़े और मैं सोच रहा था कई दिनों से इनको कटवाया जाए, मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ, हेयर कटवा के आता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो जी टाइम तो हो गया 9 बजे का और हमने भी बाल वाल कटवा के नहा धो के सब काम कर लिया सेट। तो बात अब ये है कि
9 बज चुके हैं, डिनर का टाइम हो गया और अर्श को सुबह स्कूल भी जाना है। आज तो उसने छुट्टी कर ली थी बट कल स्कूल जाना ही जाना है, तो आप समझ गए होंगे इस व्लॉग को एंड करना भी लाजमी हो गया है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल सुबह एक बढ़िया से व्लॉग में फिर से। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियोस को करके जाएं लाइक। तो सुबह मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।